बॉलीवुड की दुनिया जितनी रंगीन दिखाई देती है, दरअसल ये उतनी ही स्याह रंग में रंगी हुई है। यहाँ फिल्मों में काम पाने या फिर काम देने के नाम पर कास्टिंग काउच का एक गंदा खेल खेला जाता है, जिसमें जिस्मानी रिश्ते तक बनाए जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कई एक्ट्रेस के साथ हो चुका है और कई एक्ट्रेस ने तो इस पर खुलकर बात भी की है। कियो ने तो अपने साथ कास्टिंग काउच के नाम पर हुए इस गंदे खेल को दुनिया के सामने भी रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड ही इस तरह के मामलों के लिए बदनाम है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस की जिन्होंने कास्टिंग काउच के नाम पर काफी दर्द झेला है। दोस्तों, बॉलीवुड में सालों से काम के बदले जिस्म के मामले काफी आते रहे हैं, जहां डायरेक्टर ने फिल्म में लीड रोल देने के लिए एक्ट्रेस को अपने बिस्तर तक में बुला लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह का ये गंदा खेल सिर्फ बॉलीवुड में ही खेला जाता है। आज हम बात करने वाले इस समय के सबसे पॉपुलर फिल्म इंडस्ट्री में से एक, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की। आज भोजपुरी फिल्मों का बोलबाला धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। लोग भोजपुरी गानों को और फिल्मों को धीरे धीरे पसंद करने लगे हैं। बॉलीवुड की तरह ही भोजपुरी की एक अलग फैन फॉलोइंग है। इसका एक वजह यह भी है कि भोजपुरी में बॉलीवुड की तरह खूबसूरत एक्ट्रेस की भरमार है। भोजपुरी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, जो अपनी अदाओं से फैंस के होश उड़ा देती हैं। लेकिन इसी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी एक्ट्रेस हैं जो कास्टिंग काउच के नाम पर गंदे खेल का शिकार हो चुकी है। कास्टिंग काउच का यह दर्द झेलने वाली कुछ एक्ट्रेस ने अपने इस दर्द को दुनिया के सामने रखा है। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है रानी चटर्जी। रानी चटर्जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस है। रानी चटर्जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस है। इन्होंने फिल्म मेकर साजिद खान पर उनके साथ कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था। इन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें फिल्मों में रोल देने के लिए कई रीजनल फिल्म मेकर्स ने उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें फिल्म मेकर साजिद खान का शिकार भी होना पड़ा था। उन्होंने साजिद खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे और उनके इस इंटरव्यू के बाद तो काफी बवाल भी मचा था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है पाखी हेगड़े। भोजपुरी की काफी फेमस स्टार है। इन्होंने भोजपुरी फिल्मों के अलावा कई टीवी शो, सीरियल और साउथ की फिल्मों में भी काम किया है। एक समय ऐसा था कि पाखी हेगड़े के ठुमकों पर पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री मरती थी। उस समय भोजपुरी में पाखी हेगड़े का सिक्का चलता था और निरहुआ के साथ उनकी जोड़ी को भोजपुरी फैंस काफी पसंद भी करते थे, लेकिन उन्हें भी कास्टिंग काउच के दर्द का सामना करना पड़ा था। पाखी हेगड़े को डायरेक्टर ने काम के बदले कॉम्प्रोमाइज करने का ऑफर किया था, लेकिन जब वे नहीं मानी तो उन्हें काफी टाइम तक कहीं भी काम नहीं मिला, जिसकी वजह से वे काफी डिप्रेशन में चली गई थीं। यानी फिल्मी दुनिया में निर्देशक की बात नहीं मानने पर आपको घर बैठना पड़ सकता है, आप सड़क पर भी आ सकते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम है पूनम दुबे का। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पूनम दुबे काफी फेमस नाम है। भोजपुरी सिनेमा में पूनम दुबे बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती हैं, जिसके वजह से हर कोई उनका दीवाना है। भले ही आज पूनम दुबे भोजपुरी सिनेमा में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन उन्हें भी कास्टिंग काउच के इस गंदे खेल का सामना करना पड़ा था। फिल्म इंडस्ट्री में काम के बदले जिस्म की बात उनसे काफी बार की गई। फिल्मी दुनिया में नाम बनाने के लिए उन्हें काफी मेहनत भी करनी पड़ी और कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन पूनम दुबे का दावा है कि उन्हें इस तरह के ऑफर डायरेक्टर की तरफ से मिलते रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी काम पाने के लिए से गंदे खेल को नहीं खेला, और शायद यही वजह रहा कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने के लिए काफी टाइम लगाना पड़ा था। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर है दोस्तों मोनालिसा। भोजपुरी सिनेमा के ही नहीं बल्कि टीवी की दुनिया की भी एक जानी मानी पहचानी एक्ट्रेस हैं। फिल्मों में आने से पहले मोनालिसा एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी और इस कारण से उन्हें कुछ नहीं पता था कि फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे की जाती है। उन्होंने धीरे धीरे मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद फिल्मों में काम पाने के लिए माया नगरी मुंबई चली आए, जहां फिल्मों में काम पाने के लिए उन्हें कॉम्प्रोमाइज का ऑफर दिया गया,
जब उन्हें समझ आया कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने इस तरह के काम को करने से मना कर दिया, जिसके चलते उन्हें किसी ने भी काम नहीं दिया। इस कारण से मोनालिसा को फिल्मों में करियर बनाने के लिए मजबूरी में बी ग्रेड की फिल्मों में काम करना पड़ा था। सच में फिल्मी दुनिया का यह बड़ा ही डरावना सच है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब को जरूर करें।